आज हम लोग डे टू क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, जिसको आप पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, इसमें हम लोग डे टू में देखने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको थियोरेटिकल होंगे, तो हम लोग इसके थ्योरी बेसिस पे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मीन्स आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से क्या एडवांटेज मिलता है, क्यों हम लोग पीरियोडिक टेबल अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि एवरीडे लाइफ में जो कुछ भी हम लोग किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी या किसी भी एलिमेंट के बारे में या आपके आसपास जितना भी एलिमेंट है, जो कुछ भी मैटर है, वो किसी ना किसी एलिमेंट से बना है। और हर एलिमेंट का उसमें क्या कंपोजिशन है, क्या वो आपके लिए एडिबल है या नहीं एडिबल है, आप उसे यूज़ करेंगे तो किस फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कौन सा मेटल कैसा है। या आप लोग कुछ भी करते हैं, आपके डेली लाइफ में जितने भी चीज़ यूज़ होते हैं, तो उसमें हर चीज़ के लिए एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग उसमें क्या करेंगे, पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को उसमें हम लोग खोजते हैं। तो उसी चीज़ को जानने के लिए उसके न्यू एलिमेंट कैसे होंगे, या न्यू कोई साइंटिस्ट है तो कोई न्यू एलिमेंट को डिस्कवर कैसा करेगा, या अगल बगल वाले एलिमेंट कैसे हैं, ये सब चीज़ को अगर स्टडी करना है तो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या कहो कि एलिमेंट अगर 118 एलिमेंट है और ये आपको ऐसे ही हाइफाजार्ड इस साइड से आप लोगों को अरेंज नहीं है, तो उसको स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हुए हैं, हर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं एक ही कॉलम में रखे गए हैं, जो अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं तो उसको हम लोग सेम पीरियड में रख सकते हैं या अलग ग्रुप में रखे हुए हैं, या कहिए कि आपको उसके कॉलम अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हर एलिमेंट कैसे उसमें पीरियोडिक वेरिएशन होती है, कैसे उसके रेडियस चेंज हो रहे हैं, उसका साइज चेंज हो रहा है, उसका आपको मेटालिक प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है। तो इससे स्टडी करने में हम लोगों को बहुत ही आसानी होती है, इसलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, द पीरियोडिक टेबल इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, बोथ इन द प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस। इट इज़ एवरी डे सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट। इट सजेस्ट द न्यू एवेन्यू फॉर द रिसर्च फॉर प्रोफेशनल एंड इट प्रोवाइड द सक्सेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल ऑफ द केमिस्ट्री। इट इज़ रिमार्केबल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट एंड केमिकल एलिमेंट। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आप लोगों को एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ही है। एंड आर नॉट ए रैंडम क्लस्टर ऑफ एंटिटीज बट इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले द ट्रेंड्स लाई टुगेदर। इसमें जो ये ट्रेंड्स है ना, ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एलिमेंट के बाद जो दूसरा बगल वाला एलिमेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, इसके एटॉमिक नंबर में वेरिएशन हुआ है तो नेक्स्ट एलिमेंट कैसे प्रॉपर्टी को रखेगा, इस सब चीज़ को अभी हम लोग अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच लो कि आपको पीरियोडिक टेबल पता नहीं होता, तो आप सोडियम के बारे में कुछ कह सकते थे, लेकिन मैग्नीशियम के बारे में आपको उससे अंदाज़ा नहीं होता। मैग्नीशियम को स्टडी करने के लिए आपको फिर से अलग से मैग्नीशियम को स्टडी करना पड़ता। अभी आपको पता है कि सोडियम के बगल में मैग्नीशियम है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके मेटालिक प्रॉपर्टी थोड़े से कम रहे होंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा रहा होगा, इसकी जो बाकी के केमिकल प्रॉपर्टी हैं सोडियम से, ये थोड़ा कम रिएक्टिव रहा होगा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी आप पीरियोडिक टेबल के हेल्प से ही कर पाते हो। ठीक है, तो इसे थ्योरी बेसिस पे है, आप इसे यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को कि विच इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डू मेंडेलिफ यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन इट्स पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। देखिए आप लोगों को जो मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल क्या कहता है आप लोगों को कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, या कहिए कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट के को अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में सजाएंगे तो वो पीरियोडिकली चेंज करेगा। पीरियोडिकली चेंज करेगा मतलब कि एक बार जो प्रॉपर्टी हम लोगों को वैरी कर रहा है, सेम उसी तरह का वेरिएशन आपको नेक्स्ट कुछ इंटरवल के बाद आपको फिर मिलने वाला है।
जैसे जैसे वेरिएशन आप वन टाइम देख चुके हैं, सेम उसी तरह का वेरिएशन आपको बार बार देखने को नजर आएगा, इसलिए इसे पीरियोडिक वेरिफिकेशन, पीरियोडिक मतलब कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है। और मेंडेलिव क्या था, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे स्ट्रिक्ट नहीं था, वो उसको अरेंज कर रहा था, मतलब कि इसी के बेसिस पे वो बना रहा था अपने पीरियोडिक टेबल को, लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट के जो प्रॉपर्टी थे इनवर्स ऑर्डर में उसको मिले हुए थे। ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट डज नॉट फिट विद दिस स्कीम और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर इन इंक्रीजिंग वेट के ऑर्डर में अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो उसने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया। क्या सोच के? कि इसके एटॉमिक वेट हो सकते हैं गलत कैलकुलेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में आप लोगों को जो एलिमेंट है ये क्या है, अगर हम लोग चेक करें तो आयोडीन एंड टेलोरियम दो एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट? आयोडीन, इसका लोअर एटॉमिक वेट है देन टेलोरियम, लेकिन इसको रखा क्या गया है, इसको पीरियोडिक टेबल में आगे रखा गया है। जो लोअर एटॉमिक वेट है उसको बाद में रखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू हायर एटॉमिक वेट, ठीक ना। तो इस तरह से अगर हम लोग इसमें चेक करें तो किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग चेक करते हैं, देखिए आपको आयोडीन को कहाँ रखा गया है, आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है और इसको रखा गया है सेवंथ ग्रुप में, और टेलोरियम का एटॉमिक वेट क्या है, हायर है और इसको ग्रुप नंबर सिक्स में रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल किसके लिए था, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल हम लोगों को फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था जो पब्लिश हुआ था, और ये बेस्ड किस पे था, ये बेस्ड था आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग इसको अरेंज किए हुए थे तब जाके हम लोगों को मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल मिला हुआ था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आप लोगों को द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको सजाया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जिसमें कि आप लोगों को हेनरी मॉस्ले उसके उस पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले थे, उनका कहना था कि अगर हम लोगों को एलिमेंट की जो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो कौन होती है, एटॉमिक नंबर होती है, जिसको वो चेक किए हुए थे या वेरीफाई किए हुए थे अंडर रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे का ग्राफ एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वो सजाए हुए थे। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया वो किसके लिए आया था, एटॉमिक नंबर के लिए आया था, और एटॉमिक वेट के लिए ग्राफ कैसा था आपका, जिगजैग था, इसलिए हम लोगों को ये एटॉमिक वेट को रिप्लेस करके एटॉमिक नंबर को यूज़ किया गया। तो हम लोगों को दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस है कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल आपको एटॉमिक वेट पे बेस्ड था और आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट। इसमें आप लोगों को क्या कह रहा है, इसमें आप लोगों को कह रहा है कि सिक्स्थ पीरियड ऑफ एलिमेंट विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम 6s, इसमें 6s से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 7s से जस्ट पहले तक जाएगा, जस्ट बिफोर 7s, 7s से स्टार्ट फिल होगा तो वो सेवन्थ पीरियड में चला जाएगा। तो 6s के साथ साथ कौन फिल होने वाला है, 6s फिल होगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 7s से छोटी होनी चाहिए। तो जिसका भी क्वांटम नंबर n प्लस l की वैल्यू आप चेक कर रहे हो जो आपको 7s से जस्ट छोटा है वो कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू है आपको 4 का f, उसके बाद है आपको ये 5 का d, उसके बाद है ये आपको 6 का p। ये सारे के सारे वैल्यू का अगर n प्लस l वैल्यू चेक करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 के बाद ये 7 7 7 आ रहा है। लेकिन किसको सबसे पहले फिल करेंगे, 4f को सबसे पहले फिल करेंगे क्योंकि इसकी n वैल्यू स्मॉल है विथ रिस्पेक्ट टू 5d विथ रिस्पेक्ट टू 6p। तो हम लोग सबसे पहले 4f को फिल करेंगे, उसके बाद 5d को, फिर उसके बाद 6p को फिल करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को अगर इसकी टोटल कैपेसिटी चेक करें तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2, फिर इधर से 14, 214 कितना हो गया, ये हो गया आपको 16 हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों को 2 प्लस ये 14
फिर उसके बाद कितना है, फिर उसके बाद है आप लोगों को 10, फिर उसके बाद है 10, फिर उसके बाद है 6। जब सभी को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आप लोगों को 32 होती है। तो इसलिए हमारा जो सिक्स पीरियड है, सिक्स पीरियड में टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 32 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की होगी। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.15। इसमें हम लोगों को क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन टर्म ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट जिंक। इसमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर 114 में आप लोगों को एफ एल फ्लोरोबियम, ये आप लोगों को एलिमेंट है। और इस एलिमेंट में अगर हम लोगों को इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि आप लोगों को रेडॉन प्लस उसके बाद 7s में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 114 में आप रेडॉन को सब्सट्रैक्ट कर लो, ये 86 को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बचता क्या है, बचता है आपके पास 86 अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बचेगा आपके पास, 8 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 28 होना है। तो 28 को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, ये तो था आप लोगों को 6 का कंप्लीट था, ये 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट था। फिर उसके बाद 7th पीरियड से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले तो 7s2, फिर उसके बाद आपको 5 का F14 तक जाएगा, फिर उसके बाद D में 10 तक जाएगा। यहाँ तक अगर हम लोग चेक करें तो ये 26 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुका है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आप लोगों को जो 7p में जाने वाला है, इसमें जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन जा पाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, रेडॉन, उसके बाद 7s2, 5f14, 6d10 एंड 7p2। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम लोगों को ग्रुप एंड पीरियड को अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर ग्रुप एंड पीरियड फाइंड आउट करना है तो एन की वैल्यू क्या देगा आपको, पीरियड रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है, ये वैल्यू होता है 10 प्लस ns प्लस np इलेक्ट्रॉन। 10 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ns, ns कहने का मतलब है आउटरमोस्ट सेल के s ऑर्बिटल और आउटरमोस्ट सेल के p ऑर्बिटल। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस दोनों को अगर हम लोग 10 में एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो वो क्या देगा आपको, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट देगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने हो, इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, ग्रुप नंबर हो गया आप लोगों को 10 प्लस 2 प्लस 2, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों को, नेक्स्ट है आप लोगों को राइट द इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है कि 3rd पीरियड कहने का मतलब है n की वैल्यू 3 होने वाली है। और 17th ग्रुप कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 10 से बड़ा ग्रुप है तो ये आप लोगों को कहाँ पे होगा, या तो D या तो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो जो भी 13 से लेके 18 के बीच का ग्रुप है ये P ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपको इसमें सब्सट्रैक्ट क्या करना होगा, 10 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो आपको पता चलेगा कि ऑटोमोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 के ऑर्बिटल में, 3 ऑर्बिटल n इक्वल टू 3 वाले ऑर्बिटल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसका जो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 है ये कंप्लीट फिल्ड रहा होगा। तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। तो पहले से फिल था, और 3 के s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 के p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इसके क्या हो जाएंगे, 17, और 17 एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट कौन होगा, क्लोरीन इसका एलिमेंट होगा। 17 Cl 17 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.7। इसमें क्या कह रहा है आप लोगों को कि विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय बर्कली, इसमें लोवेंस ब्रैकली लेबोरेटरी। तो देखिए जो भी कोई कंपनी होती है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कोई भी ग्रुप होता है वो अपने ही ग्रुप पे किसी भी एलिमेंट को रख सकता है, ये IUPAC अलाउ करती है। अगर आपने कोई एलिमेंट को खोजा है तो आप अपने नाम पे उसे रख सकते हैं। तो लेवेंसियम का ये जो अगर कोई लेबोरेटरी है तो ये लेवेंसियम
भी उसी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 103, और इसका सिंबल क्या है, LR। ये एलिमेंट आपको लुवर्नसियम ब्रैकली लेबोरेटरी के थ्रू बनाया गया है, तो इसीलिए इसका ये एलिमेंट कौन होगा, लुवर्नसियम के नेम से हम लोगों को लिया गया है लुवर्नसियम, ठीक ना। फिर उसके बाद सीवोर्जियम्स ग्रुप से क्या लिया गया है, सीवोर्जियम एलिमेंट को लिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 106 है, SR। तो ये दोनों एलिमेंट थे, ये जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी पे ये क्वेश्चन है, उस तरह के ये जैसे कि मेंडेलिवियम होगा तो मेंडेलिव के नेम पे डिपेंड कर रहा है, रदरफोर्डियम होगा तो रदरफोर्ड के नेम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों को इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या किसी साइंटिस्ट के बेस पे हम लोगों को कोई भी एलिमेंट का नेम हो सकता है, तो उस तरह के ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है आप लोगों को, Why do the element in the same group have similar physical and chemical property? देखिए आप लोगों को same group में क्या होता है, ऑटोमोसिल की electronic configuration same होती है, total electronic configuration same नहीं होता है, लेकिन ऑटोमोसिल का electronic configuration क्या होगा, same होगा, जिसके कारण उसमें जो electron lose करने की tendency है, या कहिए कि उसके valence electron जितने होंगे same होंगे, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो एलिमेंट क्या करता है, जनरली सेम केमिकल प्रॉपर्टी आपको शो करता है, मेटालिक प्रॉपर्टी या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी उसके एक जैसे होते हैं, उसके बॉन्ड भी एक जैसे ही जनरली फॉर्म होते हैं, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर सेम ग्रुप में है तो उसमें मैक्सिमम चांस है कि उसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, एटॉमिक वेट इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक वेट इंक्रीज़ करेगा और उसके क्या हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी उतना श्योर नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में जो आपको वेरिएशन है ये बिल्कुल श्योर है कि सेम टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी ये शो करेगा, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज इन द सेम ग्रुप इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हैव सेम ऑटोसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड देयर फोर एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट ड्यू टू द मास डिफरेंस दे शो डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन आ जाता है सेम ग्रुप में भी। नेक्स्ट है उसके बाद, अगर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3.9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप लोगों को, व्हाट डज द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। हम लोगों को आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके ऑटोमोस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ये जितना आपको सुनने में अच्छा लगता है या कहने में अच्छा लगता है, कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग डिफरेंट टाइप के एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम लोगों को डिफिनेशन क्या कह रहा है एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू द ऑटोमोस सेल ऑफ एन ऑफ द एटम। एटॉमिक रेडियस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, इसमें हम लोगों को जो एटॉमिक रेडियस होता है ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस, अगर नॉन मेटल है तो इसका हम लोग कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, दो एटम जब कंबाइन करेगा तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। फिर उसके बाद है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस में क्या होता है कि मेटल के एलिमेंट क्या होते हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, तो किसी भी दो मेटल के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट होता है उसको हम लोग मेटालिक रेडियस कहते हैं, और जो नॉन मेटल होता है ये कोई अगर नोवेल गैस है, नोवेल गैस नॉन बाइंडिंग होते हैं, तो दो नोवेल गैस मॉलिक्यूल के बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, जब दो मॉलिक्यूल स्टेबल स्टेट में होंगे तो इसके बीच का जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग वैन डर वाल रेडियस कहेंगे। तो इस तरह के डिफिनेशन है एटॉमिक रेडियस के, ठीक है। फिर उसके बाद आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस होता है कि किसी भी मेटल से या तो आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाला है या आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो जो
रेडियस बनेगा, जो आयंस बनेगा उसके जो रेडियस होंगे उसके न्यूक्लियस से उसके आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटरमोस्ट सेल जहाँ तक उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। तो हमारा आयनिक रेडियस क्या होगा, दो टाइप का होगा। एक होगा कैटायनिक रेडियस जो कि एटम के साइज से छोटा होता है, और दूसरा क्या होगा, एनायनिक रेडियस होगा जो कि एटम के साइज से बड़ा होता है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि आयनिक रेडियस इज फॉर्म व्हेन एन एटम लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। इफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म एनायन, एंड इफ इसमें अगर हम लोगों को एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या फॉर्म करेगा, आपको एनायन का फॉर्मेशन करेगा, और इसके साइज क्या होंगे, एटम के साइज से बड़े होंगे। और इफ़ एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कैटायन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है तो उसके जो साइज होंगे उसका जो रेडियस होगा छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल मेटल, ठीक ना। तो फिर इसके कंडीशन को हम लोग सिर्फ एटॉमिक रेडियस के बारे में एक्सप्लेन करना था तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.10। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस वेरिएशन। सबसे पहले तो है कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस पे करता है। एटॉमिक रेडियस आपको डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे कितना ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा और एटम की साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसलिए जेड इफेक्टिव इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। फिर दूसरा क्या है, रेडियस आपको न्यूक्लियस के शील्डिंग इफेक्ट पे, जो इलेक्ट्रॉन होता है कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटरमोस्ट सेल से, जो पहले इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी क्या करता है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को रोक के रखता है, जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा रोक लेगा तो आउटरमोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर पाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होती है कि अगर एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो एटम का क्या हो जाएगा, एटम का आपको जो रेडियस है शील्डिंग इफेक्ट अगर आपको बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा है तो न्यूक्लियस क्या कर पाएगा, आउटरमोस्ट सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। और अगर आउटरमोस्ट सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा तो उसके रेडियस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, अगर हम लोगों को इसमें चेक करें तो अगर हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के बारे में चेक करें तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होगा, आपको शील्डिंग इफेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जितना स्ट्रांगली अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को रोक के रख पाता है तो आउटरमोस्ट सेल पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसका क्या हो जाएगा, रेडियस आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों को शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ रेडियस, या कहिए कि एटॉमिक रेडियस आपका होता है। तो हम लोगों को ये करेक्ट ऑर्डर होगा आपको। तो इसको अगर हम लोग अपने पीरियड में चेक करें कि पीरियड में इसका इफेक्ट क्या होता है, जब हम लोग सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सेम पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होता है, आपका न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज आपको इंक्रीज करते जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे ही हम लोग सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज आपको बढ़ते जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इसके सेम होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जेड इफेक्टिव सेम पीरियड में क्या होने वाला है, सेम पीरियड में आपको जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर आपको इंक्रीज हो रही है सेम पीरियड में, अगर आप लोगों को सेम पीरियड में जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसके कारण क्या होगा, रेडियस आपका छोटा होते जाएगा, रेडियस
रेडियस इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों को जब किसी भी पीरियड में बात करते हैं तो इन सेम पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस जनरली डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बट इन सेम ग्रुप, अगर हम लोग सेम ग्रुप के लिए बात करें, अगर हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को जैसे ही आप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो हर एक पीरियड के लिए आपको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल मिलेगा। कहने का मतलब एक एक्स्ट्रा सेल मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जेड की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से, लेकिन इसमें जो सेल का इंक्रीजमेंट है ना वो मोर इफेक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इस कंडीशन से क्या होता है, इस कंडीशन से होता है कि आपके जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, आपका रेडियस का साइज़ आपको इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो इन अ सेम पीरियड क्या होने वाला है, टॉप टू बॉट लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, और इन अ सेम ग्रुप टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो हमारा सबसे हाईएस्ट साइज कहाँ पे आपको नज़र आने वाला है, सबसे हाईएस्ट साइज आपको लेफ्ट साइड के बॉटम में नज़र आने वाला है, ये सबसे बड़ा साइज होगा, हाईएस्ट साइज होने वाला है इसका। और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज होने वाला है। तो सबसे छोटा साइज आपको टॉप कॉर्नर पे राइट साइड, और सबसे बड़ा साइज आपको क्या होगा, लेफ्ट कॉर्नर के बॉटम में, ये साइज आपको वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है इसमें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, नेम द स्पेसेस दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन्स। देखिए इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है कि उस तरह के एटम या आयन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जो आपको दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे फर्स्ट है फ्लोरीन माइनस आयन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को अगर हम लोग फॉलो करें तो 10 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन O2 माइनस हो सकता है, ऑक्सीजन में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो भी क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, फ्लोरीन के जैसा ही होगा वो। फिर उसके बाद नोबल गैस भी हो सकता है, नियॉन भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है F माइनस के। तो इस तरह से हम लोग इसके वेरिएशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को कौन सा एलिमेंट है, आर्गन। आर्गन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पोटेशियम का फिर होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन माइनस आयन भी हो सकता है। पोटेशियम में 19 था, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन में 17 था, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दें Cl माइनस, तो उसके कारण ये क्या हो गया, ये भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फिर उसके बाद मैग्नीशियम प्लस टू में अगर आप चेक करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन के जैसा आप लोगों को सोडियम प्लस वन हो सकता है, जिसमें कि 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकाल दिया गया, बचा है 10 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी तरह से नियॉन फिर से आ सकता है, तो हम लोगों को Mg प्लस टू का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स Na प्लस और नियॉन दोनों हो सकता है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद है रुबिडियम, एटॉमिक नंबर होता है 37, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो बचा क्या, 36। तो ये क्रिप्टन के बराबर है, अगर क्रिप्टन को चेक करें तो इसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। उसी तरह से अगर ब्रोमीन में चेक करें 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 36 इलेक्ट्रॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा विथ रुबिडियम प्लस आयन के साथ। तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसेस हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसेस, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg+2 और Al-. ये सभी को क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसमें दो पार्ट में है। फर्स्ट वन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ कॉमन इन देम, सभी में अगर हम लोग कॉमन चेक करें तो सभी में 10 इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि ये आइस इसके अगर इलेक्ट्रॉन चेक करें तो सभी में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट है इसका, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया तो फिर ये क्या होंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा साइज़ के कारण। तो हम लोगों को इसमें क्या होगा, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखें, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। इसमें रूल है क्या, रूल है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो उसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके साइज उतने छोटे होंगे। तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है, एल्युमिनियम का है 13 के साथ, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो हम लोगों को फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, क्योंकि आयन सी होंगे, एटम तो सारे के सारे सेम इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो सकता है, तो हम लोगों को क्या होगा, आयन्स होगा। तो आयन्स में जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतनी छोटी साइज। तो ये देखिए आप लोगों को एल्युमिनियम का साइज सबसे छोटा हो गया, फिर उसके बाद आपको कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर उसके बाद सोडियम होगा, फिर फ्लोरीन होगा, उससे बड़ा ऑक्सीजन होगा, और सबसे बड़ा साइज आपको किसका होगा, सबसे बड़ा साइज आपको N3- का होगा। तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 3.13, ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायन आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम। देखिए आप लोगों को, इन केस ऑफ कैटायन, कैटायन में क्या होता है कि इसके नंबर ऑफ, अगर एटम और कैटायन के लिए कंपैरिजन करें, सोडियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें 11 है, या प्रोटॉन भी इसमें 11 है, और Na+ इसमें भी आपको कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। कहने का मतलब है न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर हम लोग Na+ और Na में देख चेक करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसके कारण जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है, जेड क्या होता है, जेड होता है, जेड इफेक्टिव होता है आपको जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट में जितने कोर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा। तो एटॉमिक नंबर तो सभी के लिए सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हाई किस में होगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे एटम में हाई होगी। तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, इसकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है एटम में तो उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जेड इफेक्टिव की वैल्यू आपको हाई होती है किस में, जेड इफेक्टिव की वैल्यू आप लोगों को हाई हो जाती है कैटायन में, इसलिए उसका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। सेम कंडीशन आप लोगों को, सेम कंडीशन अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सेम कंडीशन के लिए बात करें, सेलिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा रेडियस क्या होगा, उतना बड़ा होगा। हम लोगों को एनायन के कंडीशन में चेक करें तो एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड होते हैं, तो उसके कारण सीलिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीलिंग इफेक्ट की वैल्यू, ये वाला हमारा जो सिग्मा है ये वैल्यू हाई हो जाएगा, और सिग्मा जब हाई होगा तो जेड इफेक्टिव को क्या कर देगा, वो लो कर देगा, और जेड इफेक्टिव अगर लो हो गया तो उसके साइज़ क्या होंगे, एटम के साइज़ आपको इंक्रीज होने वाले हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग चेक करें तो कैटायन और एनायन में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कैटायन में आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है और एनायन में आपको जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हमारा जो एनायन होता है न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है साइज़ में, और कैटायन क्या हो जाता है, न्यूट्रल एटम से छोटा हो जाता है साइज़ में। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1.14, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का सबसे पहले मीनिंग देखें तो आइसोलेटेड कहने का मतलब है कि एलिमेंट को या एटम को आप क्या कीजिए, बिल्कुल अकेले कर दीजिए। तो यही है आइसोलेटेड मीन्स एटम इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर एटम।
और गैसेस कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट में हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, तो उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तब जाके वो एलिमेंट क्या होता है, आयनाइजेशन होता है उसका, या उसमें इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड, मीन्स एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट, एलिमेंट के एटम को दूसरे उसी एलिमेंट के या बाकी दूसरे एलिमेंट के एटम से सेपरेट कीजिए। सिंगल एलिमेंट अकेला खड़ा है। आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या हो गया, आइसोलेटेड कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो एटम है ये अकेला एटम है, इसमें बहुत सारे एटम नहीं हैं। अगर हम लोगों को मॉलिक्यूल होता है या जनरल एलिमेंट होते हैं या गैसेस एलिमेंट होते हैं तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए रहते हैं या एक जगह प्रेजेंट रहता है। लेकिन आइसोलेटेड कहने का मतलब हो गया कि सिंगल एटम हमारा हाइड्रोजन का अकेला एटम है, और फिर इसको किस कंडीशन में करना है, गैसेस स्टेट में करना है। तो ये डिफिनेशन क्लियर हुआ। फिर उसके बाद है आप लोगों को सेकेंड डिफिनेशन है कि ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर इन देयर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या जनरल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें सोडियम का, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है। तो इसके जो अरेंजमेंट होंगे वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे। सेम उसी तरह का एक एग्जाम्पल है आपको कार्बन के साथ। कार्बन में अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, और उसका अरेंजमेंट अगर हम लोग देखें तो 2p में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो उसके 2s के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो इसमें इस कंडीशन में इसके ऑक्साइड, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एलिमेंट फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टेट में होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को जस्ट डेफिनेशन पूछ रहा था ग्राउंड स्टेट एंड आइसोलेटेड स्टेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.15। ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ दिस वन। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ, ये आपको एनर्जी दिया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसके ग्राउंड स्टेट में। अगर इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जूल पर मोल कर कैलकुलेट करना है तो ये तो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अगर इतना एनर्जी हम लोग उसमें एक एटम में सप्लाई करेंगे तो उसके एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसके सेल से जंप करके सेल से बाहर चला जाएगा या एटम से बाहर चला जाएगा। लेकिन वन मोल में जब हम लोग डेफिनेशन करते हैं तो ऐसे ऐसे कितने एटम प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, वहाँ पे आप लोगों को एवोगाडोज़ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, जो क्या होता है, एवोगाडोज़ नंबर होता है आपको 6.022 × 10²³ पार्टिकल के इक्वल होता है। तो इतने नंबर ऑफ एटम से हर किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें एवोगाडोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया आपको 13.1279 जूल पर मोल। चूँकि इसमें एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करना होगा इसलिए इसका साइन क्या कर देंगे, हम लोग चेंज कर देंगे, इसके साइन को निगेटिव से पॉजिटिव करना होगा। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।